मैं वेलकम बैक टू टैबा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो मैं इस समय आया हूँ जी कैडेट कॉलेज में। वो देखें, इसका सामने गेट है और ये काफ़ी खूबसूरत ये सारा कैडेट कॉलेज का रास्ता जा रहा है। और ये देखें जी, इधर फौज का वो क्या कहते हैं जिसको क्या कहते हैं यार, मुझे कमेंट में बताएं। सीधा रोड है, हम लोग जा रहे हैं और हमारा यहाँ पर है जी मैच, हार्ड बॉल का मैच है। और इस कॉलेज के बारे में ये है कि इसकी विकेट बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं कोशिश करता हूँ अगर आज मुझे चांस मिलता है तो अपना 100% देने की कोशिश करूँ। और सामने मेरी सारी टीम जा रही है फिट, तो कह यह है कि आप लोगों ने दुआ करनी है। मेरे साथ हमेशा इस तरह होता है कि मैं आजकल ऐसे ही हो रहा है कि पहली बॉल या दूसरी बॉल आउट। इंशाल्लाह आज कोशिश करता हूँ कि आज अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, क्या अभी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आप आजकल बहुत मस्तियाँ करते हैं, ट्राई बहुत लेट है। ये बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, माशाल्लाह मैच बहुत अच्छा खेलते हैं। सामने व्यू चेक करें, कितना बड़ा कॉलेज है। ये सरकारी कॉलेज है क्या भाई? नहीं जी, कैडेट कॉलेज है सरकारी। नहीं, कैडेट सरकारी है या क्या साहब है? इंटरनेशनल तो नहीं, इतना बड़ा है। इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी घास और सारा लॉन बना हुआ है उस तरफ। और ये बिल्डिंग बनी है, अंदर क्लासेज हैं। क्लासेज है, बिल्डिंग नहीं है। और बिल्डिंग ही है ना, क्लासेज बनी है। सामने ग्राउंड है, वो सामने जी सारा ग्राउंड है, वो पिच है। और इसी के दरमियान ये पिच बनी है। ग्राउंड छोटा सा, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देने की। इंशाल्लाह भी आपके लिए दुआएं इंशाल्लाह। ये मेरी सारी टीम खड़ी है आगे और ये पीछे भी आधे लड़के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैर भी ठीक है, मसरूफ हो गए सारे। कैडेट कॉलेज के सीन वादियों के नजारे ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं तलब भाई? कैडेट कॉलेज के सीन वादियों के नजारे ले रहे हैं यार, ले रहे हैं यार। चेक कराएं हमारी ऑडियंस को। मैंने दिखाया यहाँ पर पिच बहुत स्लो है सर। स्लो मतलब बैट्समैन जरा स्लो आता है यहाँ पर। सामने दूसरी टीम प्रैक्टिस कर रही है अपनी। बाकी सब ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। ये ग्राउंड की ये बाउंड्री लगी है क्या? ये बाउंड्री है, इतनी छोटी सी बाउंड्री है लेकिन ये पिच तेज है। अगर कोई अच्छा खेलने वाला टाइमर प्लेयर है तो यहाँ पर बहुत अच्छा खेले। ये सामने आपको नजर आ रही है ये सफेद लाइन बाउंड्री है और वो सामने पिच, वो भी कारपेट वाली। कारपेट वाली अपनी अपनी एक एक चेयर उठा रहे हैं। दानी भाई उठा ली मेरी किधर? ये मैं अपनी चेयर भी यहाँ से उठा लेता हूँ। ये एक चेयर थोड़ी सी टूटी हुई है लेकिन निज़ाम चल जाएगा। उधर जाके रख रहे हैं और उधर बैठेंगे जाके। मैं अभी फटाफट किट चेंज करके आता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। यहाँ पर टॉस करो ना, कॉइन है किसी के पास? मैंने तैयब को दिया था उसी पंजी सौ रुपया स्कोर लेना। प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने अपनी जी ट्राउज़र शर्ट ले लिया, इसको जाके मैं फटाफट चेंज करता हूँ क्योंकि मैच वैसे भी हम लेट पहुँचे हैं। और आगे मैं ढूंढता हूँ, वो उस कोने पे बता रहे हैं जी मस्जिद है। ये अच्छी बात है, कॉलेज के अंदर जो है वो मस्जिद भी है और सामने जाके फटाफट के चेंज करते हैं। मैच बिल्कुल शुरू होने वाला, टॉस हो चुका है। बहुत ही अच्छा साइन है कि कॉलेज के अंदर मस्जिद है, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं उनको लाजमी नमाज का भी टाइम दिया जाता होगा। काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस तरफ भी, मस्जिद भी काफ़ी प्यारी लग रही है। अब अंदर जाते हैं, फटाफट किट चेंज करते हैं अपनी। इरफान यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने आया था तो मुझे इसका नाम याद आ गया क्योंकि वीडियो के शुरू में मैं बोल रहा था इसका नाम। इसका नाम है जी वो टैंकर, इसको बोलते हैं फौजियों में जो टैंकर नहीं होती वो मजाक चला। ये तो बहरहाल नकली ही होगा। निकलते हैं वापस अपने। इस टाइम नमाज पढ़ के और यकीन कर रही नमाज, क्योंकि मैच खेलने गया हुआ था, थकावट इतनी थी और वापस आया हूँ फिर मैच के लिए। तो नमाज़ पढ़ी है, दिल को सुकून आ गया और जिसम में जो थकावट थी वो भी दूर हो गई। तो अभी इंशाल्लाह दुआ की अल्लाह ताला मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस दे। थोड़ी देर के लिए फील्डिंग से बाहर आया हूँ, थका हुआ था, मैंने फील्ड चेंज किया पानी पीने। तो ये देखें जी, एक बोतल में सादा पानी है, दूसरे में शरबत। कूलर पड़े हुए हैं, इसमें सादा पानी है, अगले में उन्होंने माशाल्लाह से शरबत रखा हुआ। मेहमान नवाजी की है माशाल्लाह से काफ़ी। आपको पता है जब इंसान थका हुआ है और आगे से शरबत मिल जाए उसको तो कितनी खुशी होती है। क्या भाई, क्यों जी? मैं पानी का सोच के आया था, शरबत मिल गया। देखें ये देखिए, एक अब अंदर जाएगी एक बोतल सादे पानी की और एक बोतल इसकी शरबत की। और
से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये जी। माशाल्लाह से हमारी टीम बॉलिंग करके आ चुकी है और अभी बॉलिंग किया, अभी हमें टारगेट मिला है, टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेंगे। वेल डन मियां अब्दुल्ला, बहुत अच्छे मात, गुड कैच मादी, बहुत अच्छी हेलो, गुड गुड कीपिंग है, नहीं नहीं बहुत अच्छी शॉट, ओके होगा और कोशिश करेंगे कि इस टारगेट को अचीव करें। दानी टारगेट क्या है, टारगेट क्या है मियां, टारगेट क्या है? बैट्समैन रेडी हो रहे हैं और ये दानी साहब वन डाउन की पोजीशन में बैट शॉट अभी कर रहे हैं क्योंकि ओपनर के बाद अगर कोई आउट होता है तो फौरन अगला प्लेयर तैयार हो। ये भाई दोनों बैट कर रहे हैं ओपनिंग के लिए, बैट्समैन निकल चुके हैं। शाबाश लड़को, शाबाश, फिर हम भूखे जा रहे हैं। सर मैच जो है हम लोग बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, 8 आउट हो गए हैं और तकरीबन 46 स्कोर रहता है, क्योंकि हमारी विकेट नहीं गिरती। ओ मेरे सामने एक आउट हो गया, 9 आउट हो गया, मुझे लगता है मैच हम हार जाएंगे। बहरहाल जो भी है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत अल्लाह।